वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये जो आप रोड देख पा रहे हैं ये शिमला कुफरी नारकंडा हाईवे रोड। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और पहले कहीं दबाना ना भूले ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइस आप चारों ओर का मॉल तो देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह का मॉल हिमाचल में रहता है जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है। ये कुफरी नारकंडा का मॉल। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है उन लोगों के लिए जो हिमाचल आना चाहते हैं, स्नोफॉल देखना चाहते हैं। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अवेलेबल कमेंट कीजिए गाइस कि ऐसे मॉल में यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस बता दूँ कि बाहर से जितने भी यात्री यहाँ पर आते हैं घूमने आते हैं, तो गाइस उन लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ का जो ट्रैफिक रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो फिसलन बनी रहती है बहुत ज़्यादा बनी रहती है जिससे कि एक गाड़ी स्लाइड होकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और ऐसे में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। चारों ओर का आप मॉल देख पा रहे होंगे किस तरह से गाड़ी को ले जाया जा रहा है धक्के मार मार के, और फिसलन देख लो कोई ग्रिपिंग ही नहीं बन रही है टायर की। तो गाइस जब ग्रिपिंग ही नहीं होगी तो गाड़ी कहाँ टिकेगी गाइस, और ऐसे में लोग क्या करते हैं कि ब्रेक मार देंगे और गाड़ी उनकी स्लाइड होकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, और टकराने के बाद ट्रैफिक बना रहता है चारों ओर। ट्रैफिक होने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते। और गाइस ये देखो दो गाड़ियाँ आपस में ऐसे मिल रही है जैसे मतलब सदियों से मिली ना होगी, तो तीसरी भी जा रही है, इनकी बेटी जा रही होगी। ये देखो मम्मी के साथ साथ मिल गई थी, क्योंकि मम्मी पापा बेटी दम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक भाई और साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक रहता है कम से कम 10-15 घंटे तक खुलता ही नहीं है जब ऐसा मौसम रहता है। और तो आप सोच ही सकते हैं अगर ऐसे ठंड में आप यहाँ पे फंस जाते हो आप खाने पीने की दिक्कत तो होने वाली है। तो गाइस यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों के ज़्यादातर यहाँ पे आने से उन्हें दिक्कत होने शुरू हो जाती है क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर जाते हैं, क्योंकि रोड तो गाड़ियों से कच्चा कच्चा भरा रहता है, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे गाइस। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि ऐसे में विजिट करना चाहिए या नहीं। सामने देख रहे हैं आप रोड के साथ जो टायर कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं और ऐसे में गाड़ियाँ फिसलती जाती हैं, तो फिसलते हुए अगर आप ब्रेक मारते हो तो आपकी गाड़ी कहीं भी फिसलते हुए टकरा सकती है। तो गाइस जब फिसलन हो तो गाइस ब्रेक बिल्कुल ना मारें, उसी स्पीड में चलते रहें, ये बेस्ट तरीका है हिमाचल के इन रोडों में सर्वाइव करने के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। यहाँ का जो मॉल है ना एकदम ऐसे बन रहा था भाई, 10-12 गाड़ियाँ एक साथ टकरा चुकी है, ये आ गई भाई अगली गड्डी, ये भी मिल गई। तो भाई ऐसे रोड में खुलने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपके खाने पीने के रात का इंतजाम है इसी गाड़ी में। तो ये देख रहे हैं आप नारकंडा का भी, ये रोड नीचे टर्नों पर जा रहा है, ये जा रहा है आपका रामपुर वाला रोड, और जो सीधा जा रहा है ये जा रहा है कोट वाला। तो गाइस इस तरह से लोग यहाँ पे हेल्प बहुत ज़्यादा रहते हैं, दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो भाई अगर आपका नुकसान हो रहा है और आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे में आपका घूमने का क्या फ़ायदा, ये तो आपका नुकसान ही करेगा, नुकसान के साथ अपना नुकसान के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान ही होगा। तो कहीं अगर इंजॉय करना है तो ऐसे टाइम है जब यहाँ पे स्नोफॉल रुक जाए उसके बाद ही विजिट करना, क्योंकि बर्फ तो यहाँ पे रहती ही रहती है स्नोफॉल होने के बाद भी, आप उस टाइम आकर मज़े ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं हिमाचल में आके। और बाइकरों के भी क्या कहने, ये भी नहीं रुकेंगे भाई, भी चले हैं। और स्थानीय लोग जो हैं
उसको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किस तरह से स्थानीय लोग यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करके उन गाड़ियों को निकाल रहे हैं, तो किसी को किसी से लेना देना रहता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इनके लिए एक लाइक बनता है भाई। और ये जीप के द्वारा गाड़ी को निकाला जा रहा है, जीप जो कि हिमालयन क्वीन के नाम से जानी जाती है। तो गाइस ये बेटर ऑप्शन रहता है हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में सर्वाइव करने के लिए। और सामने आप देख पा रहे हैं किस तरह से खींच के गाड़ी को निकाला जा रहा है, धक्के मार मार के निकाला जा रहा है। इस तरह से अगर आप एक ट्रिप पे आते हैं हिमाचल में स्नोफॉल के टाइम और आप इस तरह से फंस जाते हैं, तो आपका ट्रिप कैसे रहने वाला है ये आप सोच ही सकते हैं गाइस। मेंशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इन वीडियो को देखकर आपका मन कर रहा है हिमाचल में स्नोफॉल के टाइम विजिट करने का, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चारों ओर का माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस तरह से गाड़ियां फंस रही है, स्किड कर रही है, या फिर ट्रैफिक बना हुआ है 8-10-15 घंटे ऐसा ट्रैफिक रहने वाला हो रहा है। ऐसे में अगर आप वहाँ पर फंस जाते हैं, ना आपको खाने को मिलेगा, ना पीने को, ना ही रहने की सुविधा, तो गाइस ऊपर से ठंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को भी जगह सब्सक्राइब करने का बताना ना भूलें। थैंक यू।